बट आज जो आपने बाबर आजम की बैटिंग देखी है, तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ क्या दिखा आपको बाबर आजम की बैटिंग में आज तक? तो बिजनेस लाइक है भाई, बाबर आजम की एक सिफत है, उनको रन बनाने का तरीका आता है। ठीक है, लोग कह सकते हैं कि जी इसमें से ज्यादा इस टीम के खिलाफ है, उस टीम के खिलाफ है, रिजवान का चलो मॉडरेट, उसके अलावा दो ने 100 बना दिया, और अगर आप 350 रन बना रहे हो आप बाबर, वो कहते हैं ना मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, बाबर आजम का वो चीज़ है, और कि भाई आपके रन आ रहे हैं ना, जब जब तक वो रन बना रहे हैं और बड़े रन बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जस्ट किकर। दोस्तों हाईलाइट्स आपने देख ली हैं, चंद सेकंड्स के बाद फुल वीडियो की जाने भी चलेंगे। एशिया कप पहले ही मैच में नेपाल के खिलाफ बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, 150 की इनिंग में सबको हैरान कर दिया। 150 रन की इनिंग के बाद बाबर आजम की दुनिया भर में तारीफें की जा रही हैं। भारतीय मीडिया के मशहूर एंकर विक्रांत गुप्ता का कहना है कि बाबर आजम की इस इनिंग ने पूरे एशिया कप को तड़का लगा दिया और हमें भी पाक भारत मैच से पहले बाबर आजम के लिए तैयारी करनी चाहिए। मजीद फुल वीडियो में देखेंगे किस तरह बाबर आजम को भारतीय मीडिया प्रेस कर रहा है। मगर उससे पहले अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैन, तो क्रिकेट की हर लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मैं ओडीआई के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो मतलब 100 बनाने की मशीन कह सकते हैं इनको, वो है। और क्यों मतलब अल्टीमेटली आप जिंदगी में क्रिकेट क्यों खेलते हो? आप खेलते हो टीम का टोटल बनाने के लिए, अपने रन बनाने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए। भूल जाए ना आज नेपाल है, तो नेपाल है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 200 ही बनाने थे। 150 रन, जिस तरह से उन्होंने आखिरी 100 रन बनाए, आखिरी 100 रन आप बता रहे हैं तकरीबन 57 गेंदों में बनाए शायद, जो लास्ट के 100। तो बिजनेस लाइक है भाई, बाबर आजम की एक सिफत है, उनको रन बनाने का तरीका आता है। ठीक है, लोग कह सकते हैं कि जी इसमें से ज्यादा इस टीम के खिलाफ है, उस टीम के खिलाफ है, बट जिस भी टीम के खिलाफ खेलोगे रन तो रन ही है, 100 तो गिने ही जाते हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग, मतलब अगेन अगर आप आमने सामने रखेंगे पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग, एक अच्छी टूर्नामेंट में दो बातें ना, आप कहोगे बॉलिंग तो है यार, बैटिंग का पता नहीं। बैटिंग इनके तीन बैट्समैनों ने बिल्कुल रन नहीं बनाए, और रिजवान का चलो मॉडरेट, उसके अलावा दो ने 100 बना दिया, और अगर आप 350 रन बना रहे हो आपकी टीम का, मतलब फर्स्ट मैच जो होता है किसी भी टूर्नामेंट में वही होता है जहां पे थोड़ा सा सेल्फ डाउट्स होते हैं, जो इनको थे भी, पर बाबर ने भी पहले मैच में 100 बनाया है। और मैं इस एशिया कप को वर्ल्ड कप के साथ जोड़ता हूँ, ये कैंपेन सिर्फ एशिया कप का नहीं है, ये वर्ल्ड कप का भी है, क्योंकि एशिया कप किसी वर्ल्ड कप से कम तो नहीं है, इसमें इंडिया भी है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें श्रीलंका भी है भी। तो भाई जो पाकिस्तान चाहता था, जो बाबर आजम चाहते थे, वो तो उनको मिल गया। दौलभ आप कैसे देखते हैं बाबर की जो इनिंग्स थी, क्योंकि एक प्रेशर तो लगा हुआ था, 25/2 एक कैच, उनका कैच भी छूटा, ये भी आपको बता दें, एक कॉटन बोर्ड का चांस था, जो आज की डेट में आप बोलते एक सिंपल चांस, आज की डेट की क्रिकेट में पहले होता था हम बोलते थे कि थोड़ा सा जी फॉलो थ्रू में मुश्किल ये वो, बट आज की डेट में हम बोलते कि रेगुलेशन ईजी कैच, वो जरूर छूटा, बट उसके बावजूद जो उन्होंने बल्लेबाजी खेली एक कप्तान के तौर पर, और ये मैचेस वो होते हैं कि आज आप आउट हो जाते बाबर 5 रन इमाम की जगह बाबर के होते तो अलग कहानी होती, बट 150 भी शायद उनका उतना ज़्यादा अप्रिशिएट उस तरीके से ना किया जाए। बाबर वो कहते हैं ना मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, बाबर आजम का वो चीज़ है, और कि भाई आपके रन आ रहे हैं ना, जब जब तक वो रन बना रहे हैं और बड़े रन बनाते हैं, ताकि क्या होता है कभी कभार आपके ख़राब दिन भी आते हैं। ठीक है, लंका में उनके बहुत अच्छे रन नहीं आए, उसमें ये है कि उन्होंने आज 150 रन बनाया, और बाय द वे उन्होंने ऐसी सिचुएशन में बनाया, मैं मानता हूँ कहने को इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग बैठे होंगे बोल रहे होंगे, वो बोल रहे हैं अरे यार नेपाल को तो मारा है, नेपालियों को उनकी टीम को हल्की टीम बेचारे मार दिया, इतना बड़ा ओकेजन उनके लिए वो कर दिया, बट रन है किसने मारे और रन।